हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत है रेसिपी घर में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बालूशाही। बालूशाही आप किसी भी त्योहार पर बड़ी आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदे का डो बनाएंगे। मैदे का डो बनाने के लिए मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। इसको छान लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें, 1/4 टीस्पून नमक डालें, 1/2 कप घी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए मुट्ठी बनने लगी है। अब मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को इकट्ठा कर लेंगे। मैदे को गूंथना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बाइंड करना है। ये देखिए मैंने डो को बिल्कुल भी चिकना नहीं किया है, सिर्फ इकट्ठा किया है। अब डो को आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि डो सेट हो जाए। जब तक डो सेट हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए 2.5 कप चीनी लेंगे। और 1/4 कप पानी लेंगे। अब चीनी घुलने तक लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि चीनी तले में ना चिपके। ये देखिए चीनी घुल गई है। चाशनी थोड़ी गंदी है, इसको साफ करने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून दूध डाल देंगे। दूध डालने से चाशनी साफ हो जाती है। ये देखिए जितनी भी गंदगी है ये सब ऊपर आ गई है, इसको निकाल लेंगे। थोड़ा गाढ़ा होने तक चाशनी को पकाएंगे। चाशनी आधे से ज्यादा पक गई है। अब इसमें नींबू का रस डालें। नींबू का रस डालने से चाशनी में क्रिस्टल नहीं पड़ते हैं और चाशनी जमती नहीं है। अब इसमें 4-5 इलायची कूट कर डाल देंगे और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते हैं तो आप ना डालें। ये देखिए चाशनी हो गई है। चाशनी शहद की जैसे चिपचिपी होनी चाहिए, एक तार की चाशनी हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। अब गैस बंद कर देंगे। आधे घंटे हो गए हैं, अब हम डो चेक कर लेंगे। ये देखिए डो सेट हो गया है। अब हम डो में लेयर्स बनाएंगे। लेयर्स बनाने के लिए पहले हल्के हाथ से आटे को फ्लैट करेंगे। फिर चाकू की सहायता से इसे बीच से काटकर एक के ऊपर एक रखेंगे। फिर हल्के हाथ से इसको फ्लैट करेंगे। इसी तरह कम से कम 8 से 10 बार हमें करना है। ऐसा करने से लेयर्स बनेंगी। इसमें आपको हाथों का ही यूज करना है, बेलन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखिए इसमें लेयर्स बन गई हैं। अब इसके पतले पतले स्ट्रिप काट लेंगे।
ये देखिए लेयर्स। अब एक स्ट्रिप ले और छोटे छोटे पीसेस में काट लें। इसी तरह सारे स्ट्रिप्स को काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। अब एक पीस लेंगे और हल्के हाथ से रोल करेंगे और बालूशाही का शेप देंगे। अब इसमें अंगूठे की सहायता से बीच में दबा देंगे। इसी तरह सारी बालूशाही बना लेंगे। ये देखिए सारी बालूशाही बन गई है। 2.5 कप मैदा में 26 पीस बालूशाही बने हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। बालूशाही तलने के लिए ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हमें एकदम हल्का गर्म ऑयल चाहिए, इसलिए गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे। अब बालूशाही को बिल्कुल नहीं छूना है। जब बालूशाही अपने आप तैरकर ऊपर आ जाए तब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए बालूशाही अपने आप ही ऊपर आने लगी है। अब इसको हम पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से पकाएंगे। बालूशाही हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। अगर फ्लेम तेज कर देंगे तो बालूशाही ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर ही कच्ची रह जाएगी, इसलिए हम लो फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे। ये देखिए बालूशाही गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। अब बालूशाही को चाशनी में डालेंगे। चाशनी में डालने के लिए बालूशाही और चाशनी दोनों ही हल्की गर्म होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो उसको गैस पर हल्का गर्म कर लें। अब बालूशाही को लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पांच मिनट हो गए हैं। अब इसको पलट लेंगे और 3-4 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे, जिससे कि चाशनी बालूशाही के अंदर तक चली जाए। ये देखिए बालूशाही तैयार है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह सारी बालूशाही को हम बना लेंगे। तो लीजिए तैयार है बालूशाही। थैंक यू। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरी रेसिपी आप ट्राई करते हो और आपको पसंद आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करें, और रेसिपी घर की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।